जी, काजल एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है. एक औरत की वजूद की कहानी है, एक साधारण महिला की कहानी है जिसको आप हर रोज़ देखते हैं, बस स्टॉप में, ऑफिस में, घर में, आपकी पड़ोसी. तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी लाइफ जी रही है जैसे उसे ठीक, मतलब जैसे उसके आगे पीछे चीज़ें हैं, उसको लेके वो जी रही है, बट उसका अंदर अंदर का वजूद कहीं खो जाता है. उसको अपने अंदर की वजूद की ढूंढने की कहानी है. क्योंकि कितनी बार होता है ना कि आपको 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 अंदर से ही अपने आप को ढूंढना पड़ता है. आपको कोई बाहर से आके, आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लो या कितनी भी कहीं भी चले जाओ, पर आपको अंदर से ही अपनी शक्ति ढूंढनी पड़ती है. और ये कहानी अपनी अंदर की शक्ति ढूंढने की है. जी, मैंने शुरुआत तमिल इंडस्ट्री से हुई थी. एक बहुत बड़ी फिल्म सारा बम थी, सीवी कुमार के बैनर से, जो बहुत बड़ा बैनर है वहाँ पे. और वो भी एक महिला, एक लड़की की कहानी थी. एक एक बहुत, वो एकदम ही डिफरेंट फिल्म है. इट्स अबाउट, आई प्ले अ डबल रोल वो फिल्म में. इट्स अ न्यू एज फादर डॉटर स्टोरी. तो वो फिल्म को काफ़ी तमिल में सराहा गया था और उसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था तमिल में. हाँ जी, वो सारी फिल्म्स हो गई हैं शूट. वो रिलीज़ होंगी जनवरी में, न्यू ईयर में. अमेरिकन फिल्म्स हैं दोनों और बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट्स हैं. वो भी स्ट्रॉन्ग महिलाओं की कहानी है. एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी, क्योंकि ऑल द वर्क दैट आई हैव डन अभी तक, इट्स समथिंग अबाउट अ वुमन्स जर्नी, या एक लड़की की कहीं ना कहीं वो कहाँ अपने आप को ढूंढती है या कहाँ से अपने आप के लिए स्ट्रेंथ बटोरती है. तो वैसी वैसी फिल्में की हैं मैंने, और ये दो हॉलीवुड की फिल्में भी वैसी. ओ या ओके गाइस, विश यू अ वेरी 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 मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विद लॉट्स ऑफ जॉय एंड लॉट्स ऑफ फन. और आई होप यू स्पेंड टाइम टेकिंग आउट टू डू वॉट यू लाइक टू डू, मे बी लाइक अ स्मॉल हॉबी, एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड लॉट्स ऑफ लव. And please watch Kajal, support Kajal, and shower a lot of love on us, because we shower a lot of love on you guys. Thank you.